like a Hellcat. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे मोंटी व्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल एम्पलीफायर्स के बारे में, जो कि सन 2012 में जो अब ब्लू कलर का एडिशन आता था, मैं उस एम्पलीफायर की बात कर रहा हूँ। उसमें तीन मॉडल आते थे, स्टूडियो मास्टर 1.5, स्टूडियो मास्टर 2.0, स्टूडियो मास्टर 3.0। ये सारे टूरिंग सीरीज के एम्पलीफायर थे जो कि नीले पट्टे में आते थे, हम अपनी इसको देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और उसके बाद जो नया एडिशन आया वो 2013 में आया, उसके अंदर येलो कलर का जो मतलब गोल्डन कलर वाले जो बोलते हैं जिसको अपने देसी लैंग्वेज में। तो आज मैं पुराने एम्पलीफायर्स के बारे में इनका पूरा रिव्यू बताऊंगा। इसके अंदर मैं आपको दो मॉडल बताऊंगा, एक स्टूडियो मास्टर 1.5 और स्टूडियो मास्टर 2.0। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप वीडियो में बने रहें। और आप अगर मेरे चैनल में न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारे स्टूडियो मास्टर के एम्पलीफायर्स मॉसफेट 1.5 किलोवाट और उसके नीचे 2 किलोवाट। काफ़ी अच्छे एम्पलीफायर्स हैं, हम इसमें जानेंगे कितने ओम्स पे वर्क करता है। तो देखते हैं इसका क्लोज लुक। सबसे पहले हम देखेंगे 1.5 किलोवाट एम्पलीफायर का क्लोज लुक। तो सबसे पहले हमको कॉर्नर पे इस पर मिलता है इसका नॉब स्विच, फिर इसकी स्टूडियो मास्टर की ब्रांडिंग और पी सीरीज वगैरह ये लिखा हुआ रहता है। एम्पलीफायर काफ़ी पुराना है इसलिए उसके स्टिकर्स वगैरह निकल चुके हैं, देख सकते हैं। इसमें भी नॉब है, इसके नॉब का जो ऊपर का स्विच होता है वो निकल चुका है, काफ़ी पुराने एम्पलीफायर से। बैक साइड देखेंगे हम, बैक साइड में हमको देखने को मिल जाएगा P1 में वो इसकी सॉकेट, फिर XLR जैक, फिर स्विचेस मिलेंगे उसको, फिर HDD इधर वाले पार्ट में भी वही मिलेगा। अब सेकंड में हम देखेंगे सबसे नीचे इसके अंदर हमको दे रखा है स्पीकॉन सॉकेट का, ये भी HDD से रहेगा। और उसके पड़ोस में हमने XLR की कॉर्ड लगाई हुई है येलो कलर के, उसमें जो कि बैलेंस आउटपुट होता है। और जैक का भी ऑप्शन है, या तो हम जैक लगा सकते हैं या XLR। और सेंटर में जो स्विच दे रखा है वो ब्रिज मोड करने का है, स्टूडियो मोड करने का है और मोनो मोड करने का है। और उसके साइड में भी सेम चैनल 1 की स्पीक ऑन का दिया है और चैनल 1 के आउटपुट्स का और फैन। इसकी हम पावर रेटिंग की बात कर ले तो गाइस, हमको ये पावर रेटिंग में 2 ओम्स पे देता है 800 वाट, 4 ओम्स पे देता है हमको 650 वाट और 8 ओम्स पे देता है हमको 350 वाट। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्पीकर हम चला सकते हैं। तो हम 2 टॉप चला सकते हैं इसके अंदर, चैनल 1 में 600 वाट, चैनल 2 में 600 वाट। स्टूडियो मास्टर एम्पलीफायर की खास बात यह है कि ये बहुत अच्छे रिलायबल एम्पलीफायर है और ये जल्दी हीटिंग नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं हम 2 किलोवाट एम्पलीफायर की। तो गाइस, ये इसकी हम पावर रेटिंग की बात करते हैं तो ये हमको 2 ओम्स पे देता है पर चैनल पे 1000 वाट, और 4 ओम्स पे देता है हमको ये 800 वाट, और हमको ये 8 ओम्स पे देता है 500 वाट। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी पावर रेटिंग और हम जानेंगे कि इसके अंदर कौन सी हम टॉप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें चैनल 1 में टॉप यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम 800 वाट तक का इस पर लोड डाल सकते हैं, 800 वाट फर्स्ट चैनल और 800 वाट सेकंड चैनल। तो गाइस, स्टूडियो मास्टर की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये जो लाइव में इसका परफॉर्मेंस होता है काफ़ी अच्छा होता है, इसकी बहुत स्वीटनेस आवाज़ आती है, आप इसको यूज़ करके भी देख सकते हो। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट डालना कि आने वाले टाइम में आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। तो मैं आपके लिए वीडियोस क्रिएट करता रहूँगा ऐसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।